बैतूल भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक दक्षिणी जिला जो कि लगभग 10,043 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और यहाँ की जनसंख्या 17,61,805 है। दोस्तों ऐसे तो पूरे बैतूल में सैकड़ों जगह है घूमने के लिए, पर हम आपके लिए लाए हैं ऐसी 10 खूबसूरत के साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा दें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नंबर 1 बालाजीपुरम मंदिर। बैतूल मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बैतूल बाजार में स्थित है बालाजीपुरम मंदिर, जिसे भारत का पांचवा धाम भी कहते हैं। दक्षिणी कलाकारी का बेजोड़ नमूना और दिखने में बहुत ही खूबसूरत यह मंदिर, जिसमें भगवान बालाजी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों यहां पर घूमने के लिए मंदिर के अलावा वैकुंठ धाम बनाया गया है, जिसमें कृत्रिम मंदाकिनी नदी का निर्माण किया गया है, जिसके इर्द गिर्द भगवान राम की कृत्रिम जीवनी को उकेरा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का पहाड़ बनाया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप यहाँ पर एक ही मंदिर में कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। तो अगर आप अपने वीकेंड प्लान कर रहे हैं तो बालाजीपुरम उसमें से एक हो सकता है। नेक्स्ट है कुकरू खामला। बैतूल जिले का एकमात्र हिल स्टेशन जो कि बैतूल मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर भैंसदेही जनपद में है। समुद्र तल से लगभग 3,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह हिल स्टेशन मध्य भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर कॉफ़ी का बागान है। दोस्तों यहां पर घूमने के लिए आपको सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, विंड मिल्स और कॉफ़ी के बागान उपलब्ध है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो दर्जा पचमढ़ी का है, वही दर्जा बैतूल जिले में कुकरू खामला का है। मुक्तागिरी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी बैतूल शहर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतपुड़ा की प्राकृतिक पहाड़ी पर बसा यह 52 जैन मंदिरों का एक समूह है। बताया जाता है यहाँ के मंदिरों पर केसर एवं चंदन की बारिश होती है। जैन धर्मावलंबियों के अलावा भी सभी समुदाय के लोग यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से आते हैं। इन मंदिरों के बीच बहता यह ऊँचा झरना मन को अति शांति और सादगी से ओतप्रोत कर देता है। छोटा महादेव भोपाली। बैतूल शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ाडोंगरी जनपद के कुही ग्राम पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भस्मासुर को वरदान देने के बाद भोलेनाथ ने यहाँ एक गुफा में शरण ली थी और फिर यहीं से पचमढ़ी गए थे। आज उसी गुफा में भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। हर साल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें पूरे प्रदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और भोलेनाथ को फूल प्रसादी अर्पित करते हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह स्थान मन को बड़ा ही सुकून और शांति प्रदान करता है। ताप्ती उद्गम स्थल। बैतूल शहर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुल्ताई टाउन में ही स्थित है माँ ताप्ती का उद्गम स्थल। माँ ताप्ती को सृष्टि की प्रथम नदी माना गया। सूर्यपुत्री माँ ताप्ती सूर्य के ताप से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम तापी पड़ा और इस शहर का नाम मूल तापी पड़ा। प्रतिवर्ष यहाँ पर ताप्ती उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन पूरे जिले में कलेक्टर के द्वारा अवकाश भी घोषित किया जाता है। दोस्तों आप ये सभी 10 दर्शनीय स्थलों के विस्तृत अलग अलग वीडियो मेरे चैनल की होम आईडी में जाकर के आप देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं इन वीडियोस की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी इन सभी दर्शनीय स्थल के वीडियोस को विस्तृत में देख सकते हैं। शिवधाम गुफा सालवाड़ी। बैतूल शहर से 120 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर स्थित शिवधाम गुफा जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भोलेनाथ ने 1,000 साल तपस्या की थी और उसके बाद भगवान राम भी यहाँ पर आए थे और फिर पांडव भी यहाँ पर आए थे। लगभग 200 मीटर की लंबी गुफा मन को बहुत ही आनंद और प्रसन्नचित कर देती है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग के ऊपर सतत बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। तो दोस्तों ये है शिवधाम गुफा सालवाड़ी की। मठारदेव बाबा मंदिर और सतपुड़ा डैम सारणी। बैतूल शहर से 50 किलोमीटर दूर सारणी में लगभग 3,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है बाबा मठारदेव का भव्य मंदिर। दोस्तों यहाँ पर बाबा मठारदेव ने कड़ी तपस्या कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और इसी जगह पर यहाँ पर हर साल मकर संक्रांति को बाबा मठारदेव का भव्य मेला लगता है। बाबा मठारदेव के मंदिर के साथ ही साथ सारणी में स्थित है सतपुड़ा डैम जो कि यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों इसे 14 फाटक डैम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 14 गेट्स बने हुए हैं। बारिश के मौसम में जब इस डैम के गेट्स खोले जाते हैं तब यहाँ का नज़ारा देखने लायक ही होता है। केरपानी हनुमान मंदिर। शहर से 26 किलोमीटर की दूरी पर केरपानी में स्थित है सिद्ध एवं चमत्कारिक हनुमान मंदिर केरपानी। दोस्तों सप्ताह के मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर हनुमान भक्तों का तांता लगा रहता है।
शहर में कोई भी छोटी से बड़ी गाड़ी जो भी लेता है यहाँ पर उसकी पूजा कराने अवश्य आता है। इस मंदिर की मान्यता है कि जब यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की तब वह मूर्ति निरंतर रूप से बढ़ रही थी। उसके बाद यहाँ पर पुजारी जी ने इसे अभिमंत्रित कर इसे बढ़ने से रोका, तब से यहाँ की मूर्ति ने बढ़ना बंद कर दिया है। अंबा देवी धारू। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धारूल ग्राम में माँ अंबा देवी की गुफा स्थापित है। 200 से 250 मीटर गहरी यह गुफा जहाँ पर माँ अंबा की स्वयंभू प्रतिमा विराजमान है। सबसे पहले उन्होंने यहाँ माँ मंगला को दर्शन दिए, जिसके बाद माँ मंगला ने इस जगह के बारे में लोगों को अवगत कराया। माँ अंबा के विभिन्न चमत्कारों के कई उदाहरण यहाँ पर मौजूद है और हर